तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो। मेरा नाम अजमल, आज हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो XT के बारे में। मैं टाटा टियागो के XT वेरिएंट में बैठा हुआ हूँ इसके रियर सीट पे, और रियर सीट की स्पेस की बात करूँ मेरी हाइट 6 फीट के आसपास है, और मैं देखिए इजीली बैठा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनी हैचबैक टाइप की गाड़ी है और काफ़ी खूबसूरत लगती है देखने में। आपने इसकी वीडियोस और इसके ओवरव्यू आपने एक्सटीरियर पार्ट से आपने देखे होंगे, तो काफ़ी देखने में खूबसूरत है, और इसके पेंट की क्वालिटी वगैरह इतनी इम्प्रूव की गई है जो आप देख के अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो हम अभी बात करते हैं इसके रेयर सीट की स्पेस की। तो देखिए, रेयर सीट की स्पेस की बात करें तो बात करने से पहले सबसे पहले बात करें इसके इसके कुशनिंग की, सीट की कुशनिंग की बात करो तो सीट की कुशन वगैरह काफ़ी शानदार है। और देखिए, जो तीसरा बंदा बैठने वाला ना, ये जो आपकी रेयर सीट है ना, थोड़ा सा जो ये देखिए इसका शेप देखिए आप, ये यहाँ थोड़ा साइज थाई सपोर्ट ज़्यादा है, मिड में थोड़ा थाई सपोर्ट कम कर दिया गया है, बाकी फिर ऐसे ही जैसे वहाँ पे है, और इस वाले यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, रेयर सीट में स्पेस काफ़ी अच्छा है, आसानी से एक 6 फीट का बंदा और आगे अगर 5.5 फीट का बंदा ड्राइव कर रहा हो तो पीछे आराम से 6 फीट का या 6 फीट से ज़्यादा का भी बंदा अगर बैठा है तो वो भी आराम से बैठ सकता है। बता दूं ये चीज़, क्योंकि आपको ये डोर पे जो ना ये हैंडरेस्ट दिया ना डोर पे, वो थोड़ा सा और आगे की तरफ होता, यहाँ तक होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, और ये जो कंट्रोल है ना ये ग्लास को ऊपर नीचे करने का, ये यहाँ पे होता तो आसानी से अपने दाएं हाथ से भी जो पैसेंजर पीछे बैठा होता आसानी से उस चीज़ को ग्लास को ऊपर नीचे कर पाता। तो यही था जो पीछे के रेयर सीट की जो भी फीचर हैं उसमें कमियाँ। बाकी बात करें इसके एक्सटीरियर की, देखिए पीछे से आप देखेंगे ना इसके डैशबोर्ड को तो काफ़ी प्रीमियम सा लगेगा, और इसके देखिए इसके ये LED लाइट की बात करें ना तो LED लाइट भी काफ़ी अच्छा, अब ये टाटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये LED लाइट दे रहा है। बस एक इसके इशू ये है कि आपको टाटा को चाहिए कि एक लाइट आगे भी दे, एक लाइट पीछे दे, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कभी नाइट वगैरह में कुछ आदमी बाहर गया हुआ है आराम से कहीं गाड़ी में बैठ के खाना चाहता है, तो पीछे के पैसेंजर्स को थोड़ी दिक्कत होगी और आगे के पैसेंजर्स को थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये थोड़ा ये यहाँ पे होना चाहिए था, और ये जो एक लाइट ये यहाँ पे है ये यहाँ पे होती ज़्यादा अच्छा रहता। तो टाटा को से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि 2 लाइटें देना बहुत नेसेसरी है गाड़ियों में, तो उसको करना भी चाहिए, क्योंकि और भी और कंपनियाँ हैं तो वो लोग इस चीज़ को करते हैं। ये लोग थोड़ा सा ये कि सस्ती गाड़ियां देने के चक्कर में, थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ये चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है। बाकी चलने में गाड़ी बहुत अच्छी है, डैशबोर्ड वगैरह और ग्लव बॉक्स वगैरह में स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है। देखो जैसे आपका फ्रंट डोर पे ना, देखो वो ग्लास का जो कंट्रोल है, पावर विंडो का जो कंट्रोल है, वो आगे की तरफ दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो है ना इसमें पीछे की तरफ थोड़ा सा पहले ही कर दिया गया, जिसकी वजह से आपको शीशे को उठाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाएँ हाथ का यूज़ करना पड़ सकता है, दाहिने हाथ से आपका ये काम नहीं हो पाएगा। तो ये कि सीट वगैरह काफ़ी अच्छी है और जो है कम्फर्टेबल गाड़ी है, ज़्यादा नॉइज़ इंजन का अंदर नहीं आता, ऑलरेडी पेट्रोल इंजन तो पेट्रोल इंजन तो ऑलरेडी साइलेंट इंजन होता है, तो इसमें ज्यादा आवाज वगैरह तो नहीं सुनने वाली आपको, लेकिन ये कि देखने में गाड़ी ओवरऑल अंदर से भी काफी प्रीमियम लगती है। डुअल टोन टाइप का इसका इंटीरियर है, टिल्ट वाली स्टीयरिंग मिलेगी, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं मिलती है आपको। तो बाकी डैशबोर्ड पे जगह वगैरह के लिए थोड़ा देखिए बहुत अच्छा उन्होंने स्पेस बनाया, कुछ सामान वगैरह रखने के लिए वहां पे आपको एक स्पेस मिलेगा। इस गाड़ी के कारपेट के हिसाब से गाड़ी का इंजन बहुत ही शानदार है और परफॉर्मेंस इसकी काफी शानदार है, टाटा पंच के मुकाबले इस गाड़ी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों ने अगर ड्राइव किया है तो आप लोगों को इसका इंजन कैसा लगा चलाने में, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो यही था आज की वीडियो में, बाकी स्पीकर को सुनाता हूं मैं, स्पीकर दर्द ना इसके स्पीकर की क्वालिटी को देखो, सुन लो आप, थोड़ा तेज करना हूं इनको, ये देखिए भाई एक लेक्सस जा रही है, लखनऊ में भी दिखने लगी लेक्सस। तो देखिए इसके इसके स्पीकर की बात करूँ तो हार्मन पावर्ड इसका जो है सिस्टम इसमें होता है, तो इसके स्पीकर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा फिल्टर अगर इसमें ज़्यादा आप लगवा देते हैं फिल्टर का, तो जिस रेंज में ये गाड़ी आती है उस रेंज के हिसाब से बात करें इस गाड़ी की तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, और अंदर से सारी चीज़ें आपको अच्छी मिलेगी। इसके इवन इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करें, इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी में ऑलरेडी टाटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, 5 स्टार की गाड़ियाँ ला रहा है। गाड़ियाँ आपको जब आप इसकी दरवाजे को डोर को आप बैठेंगे तो आपको बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा अपने आप लग जाएगा। तो यही था आज की वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, ड्राइव सेफ़।